ओलंपिक्स इतिहास रचिले भारतीय महिला हॉकी दल क्वार्टर फाइनल में शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया को हराई भारत सेमीफाइनल में प्रवेश करछि। बुलेटिन संपर्कित खबर विस्तृत देखा किंतु प्रथम देखा बालेश्वर सृष्टि होता संभाव्य बन्या परिस्थिति संपर्कित खबर। फुलुची सुवर्णरेखा उपर मुंडे वर्षा फल सुवर्णरेखा नदी जलस्तर वृद्धि पाई। बालेश्वर राजघाट में विपद संकेत पार कर सुवर्णरेखा राजघाट निकट में नदीर विपद संकेत 10.36 मीटर थिबा बेले सकाल 9टा सुधा एठार जलस्तर 10.54 मीटर उपर थिला। फल भोगराई तहसील दहमुंडा गपगाँ चिरकुला आरुआबाली कुलाड़ आदि गाँ समेत 5 रू 6 पंचायत में बन्या पानी पशिश। सेपरी बालियापाल तहसील 6 पंचायत कोदवान सिंह सूर्यपुर गुणुपुर अठाबाटिया सुंगमई विष्णुपुर अस्थि मधुपुर आदि गाँ प्रभावित होती। सुवर्णरेखा नदी को झारखंड गालुडी व्यारेजर 8000 क्यूसेक बन्याजल छड़ाई। सेपरी चांदली डैम गोटे गेट दे नदी को बन्याजल प्रवेश करछि। फल आज दिन गोटे सुधा नदीर जलस्तर 11 मीटर पहुंची पारे बोली पूर्व अनुमान करछि जलसेचन विभाग। अपराह्न पर नदीर जलस्तर ह्रास पाई पारे बोली अनुमान करछि जलसेचन विभाग। गुडमन सिंह आउ चौरबस्त कालई आउ एई जगाटा एटा होछि हमर तहसिल पाखे आउ कि तलिया अंचल से सब कटक होती आम एमती लोक मान जीवासिया सुविधा हे ता व्यवस्था आम करूँ। आम प्रशासन दृष्टि रखी जदि किसी पानी लोक घर रुहत सुविधा पाइब। जदि पा बढ़े ताल आम सैक्लिंग सेन्टर आमर अच्छी जो उच्चा जगह को आम उठे देव शुक्ला खाद ये सब व्यवस्था कर रही जाती पा घेर से व्यवस्था कर। ए विषय अधिक आलोचना करने मो सहयोगी सतेज दासको जोड़े। सतेज आम पूर्व जहाँ आलोचना करता पूर्व बुलेटिन देखे आसीते बर्तमान जहाँ प्रशासनिक अधिकारी तो पहुंचती कहु अपराह्न पर्यटन विपद रही पारे कौन रही अपडेट। निश्चित भाव में देखो जो कथा आप कहले अपराह्न पर्यटन विपद रही था और तापर धीरे धीरे जलस्तर कम जेहतु दुआरिया परिस्थिति जो समुद्र अच्छे सी कम और तापर जलस्तर कम कि सबू भितर जो कथा आप कहते कि समय पूर्व जो अनेक पंचायत में बर्तमान पानी पशि प्रशासन स्वीकार कर जगह रास्ता कटअफ हो आपको चित्र देखा देखूँ ये हूँ पाड़ जामकुंडा अंचल एटी आपण को चित्र देखी गोटे घर चित्र आप देखूँ ये अनुमान करेंगे तलिया अंचल लोकों विपद निश्चित भाव में रही संध्या पर्यंत तो अति कम विपद रही जो भाव में जलस्तर बढ़ुची और 11 मीटर पखापाखि छुईबार जो आशंका तेणु ता भर आम कहीपर जे जो भाई भाव में जलस्तर वृद्धि हो जो भाई भाव में बर्तमान तार प्रभाव तल अंचल निश्चित देखा मिलूँ। से घर जो आप देखुं घर जी आपड़ देखुं फुलुची सुवर्णरेखा जहाँ को नहीं चिंता प्रकट कर अर्थात 5 रू 6 पंचायत प्रभावित होवर आशंका नजर कि जदि प्रशासन पूरा प्रस्तुत रही है बीडीओ तहसीलदार स्थानीय पुलिस से घटना पर नजर रखिंट कहु अपराह्न पर्यंत विपदर आशंका अर्थात अपराह्न भितर हुए तो जो जल सीमा रही जलर 11.10 मीटर पर्यटन जापर ताक मैंने अनुमान कर अपराह्न पर हुए तो जलस्तर कमीपे कि या भितर सब बड़ कथा रोचे विभिन्न जगह अर्थात विभिन्न जगह पानी पशुता दृश्य देखुते कितु प्रशासन पूरा सजग रही विभिन्न जगह डंगा बोट्र व्यवस्था करा जदि विपद अधिक घनीभूत हुए अर्थात आशंका बढ़े तेज लोक स्थानांतरित प्रशासन पूरा प्रस्तुत रही किंतु बर्तमान ये होची अपडेट जलस्तर आस्ते आस्ते बढ़ुची अपराह्न पर्यंत समस्त नजर रही अपराह्न पर्यंत जलस्तर केत रहिबो। मो सहयोगी सतेज पूरा घटना पर नजर रखिछन लगातार अपडेट दउछन आपण ए दृश्य देखुते बर्तमान सुवर्णरेखा जलस्तर वृद्धि पाउची विपद संकेत टपिची अर्थात सेठार बन्या परिस्थिति देखाउची किंतु एक कथा कहउची जे सेभली सिचुएशन आसेनी किंतु प्रशासन एथिने पूरा प्रस्तुत रही। एबे देखिबा टोकियो ओलंपिक्स संपर्कित खबर। ओलंपिक्स इतिहास विश्व क्रीड़ा महाकुंभ इतिहास रचिचे भारतीय महिला दल प्रथम थर पर ओलंपिक सेमीफाइनल में प्रवेश करछि टीम इंडिया। शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया दल विपक्ष राज्य महिला हॉकी दल दमदार खेल प्रदर्शन करता। भारत वुमेन हॉकी टीम 1-0 गोल परास्त कर टीम कंगारू को भारत पक्ष स्कोर करते एकमात्र गोल देते गुरजीत सिंह। एथस ओलंपिक्रे स्वर्ण पदक भारतीय महिला दल अमात्र 2 पाद पचर रही। भारतीय महिला हकी दल एवं विश्व रैंकिंग 9वां स्थान में बेले ऑस्ट्रेलिया दल रही 2 नंबर। यास ऑस्ट्रेलिया 3 थर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीति बेले महिला दल तृतीय थर पर ओलंपिक्स खेलुचे। प्रथम क्वार्टर में भारत आगुआ थे गोल परिशोध करने को ऑस्ट्रेलिया टीम घन घन आक्रमण करता। शेष क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया 2टी पेनाल्टी कॉर्नर पाई भी गोल स्कोर कर विफल होता। भारतीय खिलाड़ी मैंने चमत्कार डिफेन्स कर ऑस्ट्रेलिया को बाद देते। शेष 1-0 गोल विजय सहित श्रेष्ठ 4 टीम मध्य स्थान पक्का कर टीम इंडिया। भारत अगस्ट 4 तारिख में सेमिफाइनाल भेट आर्जेंटिना को। यह पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी दल सेमिफाइनाल प्रवेश कर सारी। महिला दल तृतीय थर पर ओलंपिक्स खेलुचे। यह पूर्व 2016 रिओ ओलंपिक्स 12 नंबर स्थान में रही। ता पूर्व 1980 में टीम इंडिया 4र्थ स्थान था से किंतु सेमीफाइनल हो नथिला। पुल मैच प्रदर्शन को आधार कर टीम को चयन करा। आज मैच में भारत टीम भल प्रदर्शन कर प्रथम क्वार्टर में उभय टीम कौन गोल स्कोर कर पारि नथिले। 22वां मिनिट में पेनाल्टी कॉर्नर में गुरजीत कौर गोल कर भारत को आगुआ को नहीं। मैच प्रथम अर्धर स्कोर यही स्कोर होता। तृतीय क्वार्टर में भी कौन गोल दे पारे भारतीय टीम आगुआ रही। चतुर्थ क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया टीम जोरदार आक्रमण कला, लगातार गोल पर प्रयास कला किंतु विफल होता। पूरा मैच में ऑस्ट्रेलिया को मोट 9टी पेनाल्टी कॉर्नर मिलता किंतु दल गोटे भी स्कोर कर पारि नथिला। भारत दल को मात्र गोटे कॉर्नर पेनाल्टी कॉर्नर मिलता ताकू मध्य गुरजीत स्कोर करते जहाँफल कि बर्तमान टीम इंडिया विजय होती। ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम प्रदर्शन आत्म भल रही। जदि आम देखा प्रथम मैच कथा आलोचना करवा, 3टी मैच में बड़ व्यवधान हारिता टीम इंडिया। नेदरलैंड 5-1, जर्मनी 2-0, ब्रिटेन 4 गोल हारिता टीम इंडिया। लगुता जमी भारतीय महिला दल टूर्णामेंट बाहर पड़ो किंतु यहाँ पर कमबैक करता टीम इंडिया। प्रथम आयरलैंड को एक संघर्षपूर्ण मैच में 1-0 हराइला। तापर दक्षिण आफ्रिका को 4-3 गोल परास्त कर क्वार्टर टिकेट हातल करता टीम इंडिया। हॉकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले कल भी पीवी संधू जी ने जो कांस्य पदक जीता, उससे पहले मीराबाई चानू जी ने जीता, लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया। तो उम्मीदें भारत की ओर बंधी हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीत कर दिखाए हैं। आज महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और पुरुष हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। रियली मु कहबी एटा हमरो महिला टीम रो बहुत बड़ अचीवमेंट मु कहबी। जे भाव रे से माने आरंभ कले अटैकिंग हॉकी रु आरंभ कले, तांकरो डी रिप्रेसिंग करूछंती, ग्रुप टैकल करूछंती, जोटा कि आमे पूर्वरम देखबो के मिलुनुथला। आज जोटा ग्रुप टैकल करूथले से सक्सेसफुल होथला। मुझे अपोनेंट रे मु देखी डिफेन्स लेफ्ट साइड मु देखी 3-4 जन ग्रुप टैकल करूछंते जो थरे कि कसम खाइछंते कि आमे सेटु बॉल टाको आम साइड रे जीवा को देबाने एवं सही होथिला एवं ए जो कमिटमेंट आमे देखबा को मिलला जोडा अरे ताहारे बेनिफिट आज पाइले मते लागुछि। समस्त एफर्ट गोलकीपर सरिता एक्सीलेंस सेव कला 3-4टा शॉर्ट कॉर्नर गोल लाइन गोल जो थिले हमरो से 2टा बोले सेव करछंती। हम ओडिसा रो दिग्ग्रेस एका डिफेंस भलो परफॉर्मेंस करछि। हम निकिता कथा कहंतु या सुशीला चानू कथा कहंतु फ्रंट रे हमर रानी हमर वंदना नेहा एक्सेल परफॉर्म करछि। आज मिडफिल्डर हिसाब रे अटैकर हिसाब रे तार कंट्रीब्यूट मु भाबी आज बहुत भलो करछि। मोनिका जी ठीक टाइम शॉर्ट कॉर्नर पीसी तैयारी कले एवं सेटा गोल है। अब गुरजीत कौर तो एक्सीलेंट गोल या पूर्व देखा मिल ना लेकिन आज एक्सेल परफॉर्मेंस कर ओवरऑल जब आम देखा समस्त परफॉर्मेंस आज ऑस्ट्रेलिया एगेन्स्ट एक्सेलेंट एवं ताहरी आम जीतिलु। ऑस्ट्रेलिया जीति पार नु आज आम परफेक्ट हॉकी खेलु लेस मिस्टेक कर परफेक्ट हॉकी खेलु जोटा जो दरकार था इंटरनेशनल हॉकी आज प्रूव कले कि आमर महिला दल वर्ल्ड गोटे बेस्ट टीम भले प्रूव कर। प्रथम थर पर ओलंपिक सेमिफाइनाल प्रवेश कर भारत महिला हॉकी दल। विजय पर महिला हॉकी टीम को अभिनंदन जनाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। ऑस्ट्रेलिया विपक्ष मैच बेस संघर्षपूर्ण था एसह विजय धारा बजाय रखा टीम को उत्साहित कर मुख्यमंत्री नवीन। भारत महिला हॉकी दल देश गौरव आनु बोली से कहते। 2018 भारत पुरुष और महिला हॉकी दल प्रयोजक अच्छी ओडिशा। Congratulations India, what a terrific game our women's hockey team played against Australia. Keep it up. the best of luck. महिला हॉकी दल को शुभेच्छा जणाइछन्ति केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ओलंपिक्स रे प्रथम थर सेमिफाइनल प्रवेश कर इतिहास रचिछि महिला हॉकी दल। आगामी मैच रे मध दल निश्चय भल प्रदर्शन करे बोली आशा व्यक्त करछन्ति केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पुणी निराश कले दूती। टोकियो ओलंपिक्स महिला 200 मीटर दौड़ में निराश कर दूती चांद। 200 मीटर हिट्रे से सप्तम स्थान रही 23.85 सेकेंड 200 मीटर अतिक्रम कर धाविका दूती चांद। तेज चलित सीजन यह दूती सर्वोत्तम प्रदर्शन। पूर्व महिला 100 मीटर प्रथम राउंड कटि जाते दूती सप्तम स्थान में दूती। ब्रेक पर स्वागत। राजधानी में खोल बल कड़ा कटका अनुसार खोली बल। द्वितीय डोज टीका नल आगर निराश हो ग्राहक को फेरवा पड़ी। आज बहुत दिन पर मल जाए सामग्री किणुंट ग्राहक मैंने। कोविड योद्धा हिसाब से द्वितीय डोज नहीं सारी। आज झीर द्वितीय डोज था। आम फैमिली पूरा आम कनसियस अच्छु कोविड विषय पूरा आम कम कर निजे योद्धा हिसाब से। तेणुक आम जहाँ कोविड नियम एसओपी मानिक आम आसीचु भुवनेश्वर को एवं दीज गोटे कार्रे आसीचु अधिका आसीनु। एवं मार्केटिंग बहुत बढ़िया थिला। लोक बिल्कुल नहांती एवं सोशल डिस्टेंस जहाँ जहाँ मेंटेन होगा कथा बिग बाजार बहुत बढ़िया कर वेल सैनिटाइजेशन मेंटेन करा होची। तापर आम सैनिटाइज होला परे टेम्परेचर चेक करिकरी सेमाने हमकु अलाउ करूछंती भितर को जेबा पई। आ सोशल डिस्टेंसिंग वेल मेंटेन अछि। आमे माने निजे भी सतर्क रहउछु एवं लोक मैंने भी वैक्सीनेटेड होउचंदी। मो समस्त को आपण न्यूज रिक्वेस्ट करियो चाहे भी आपण माने वैक्सीन नियंतु एवं सतर्क रुहंतु। आमे सतर्क रहले निश्चिंत कोविड-19 को आमे माने हरैबा। गाइडलाइन भितरे खोलिबाटा तो ठीक अछि। आमे तो शॉपिंग करिवार भी अछि जिंस पत्र नबार भी अछि। आ गाइडलाइन माने कि नबाटा ठीक। एंट्री कोला बेले मास्क पिंधिबा मैंडेटरी। आउ आमर सेकेंड डोज वैक्सीनेशन भी मैंडेटरी देखा से मन कले कौन डबल डोज नहीं ना बोली। एक्चुअली कोरोना जो भाई व्यापानी सेकेंड डोज ना क्या बारे कोविड नियम बाहरी सरकार भी नियम कर सरकार नियम अनुसार समस्त चलते। आज खोली पार्क। अगस्ट मास गाइडलाइन अनुसार अनलक होशा दीर्घ दिन लकडाउन पर राज्य में पार्क खोली। तेरे आज सका सका राजधानी बासिंदा पार्क में प्रातः भ्रमण व्यायाम कर कोविड गाइडलाइन को नहीं कड़ा निर्देश थी अनुपालन कर लोके गतकाली सटडाउन जो पार्क बंद। आज पार्क खोली लोके बेस खुशी अच्छा। मॉर्निंग वर्क मनुष्यर शरीर आ मन को फिट रखे कारण सका सका बुले टे फूर्ति हुए मनीष। तेणु से जितेबाला कोरोना गाइडलाइन जारी होता एवं लोक मैंने आसीपार नथिले मॉर्निंग वॉक करने पार्क को किंतु अगस्टर जो गाइडलाइन पार्क खोली मॉल खोली हॉल खोली सिनेमा हॉल आम आपको भिजुआल देखबू। ये हूँ आईज पार्क चित्र प्रथम प्रतिक्रिया ना जानापी चाहिए। ये जो आज पार्क खोली जदिव 1 तारिख रू खोल कथा कल सटडाउन था सप्ताहांत सटडाउन कौन कहे पार्क खोलिया जहाँ बहुत खुशी लगुच। आज सका आस बुली पार्चु आज पर्यटन तो बुली पार्न 3 मास है। आज बहुत खुशी लगुच अगस्ट गाइडलाइन हिसाब से हमको खोल पार्क पाइबे बुलाई आउ शरीर सका निहाती बुलवा दरकार से खुशी लगुच। बहुत घर भितर रोते एवं काम भाँ बाहर को बाहर थे पार्क आसर गालीचा बुलूँ निश्चित। तो ये जहाँ सरकार गोटे भल बड़ा पदक्षेप सरकार निजे रिस्क नहीं आज अगस्ट गाइडलाइन अनुसार खोलिले तो बहुत भल लगुच। तथापि आम मैंने सचेतन रहा पार्क में मास्क पिंधा डिस्टेंस मेंटेन करवा मास्क पिंधा डिस्टेंस मेंटेन करवा जहाँ गाइडलाइन अच्छी मानी मॉर्निंग वॉक करवा सका ये कर एक्सरसाइज कर निहतु आम भी भल रहा। कि एक्सरसाइज गुड़ा जो उपकरण अच्छी बर्तमान बागे जाए ए नहीं कौन कह कारण सानिटाइज करा उचित आगु को सानिटाइज कराया कथा कि जाऊ के दिन जाऊ के करें तो आम चलिए पार्क कले बहुत मन खुशी जाऊ सरकार आ सरकार अगस्ट मासर गाइडलाइन आम मानिक चलुचु है। ये जोटा बण जंगल बेस ये सफासफी दरकार पार्कटा टी डेंगू स्प्रे टी कले भल हाँ। सका सका चलुँच के फूर्ति लगुच बहुत फूर्ति लगुच। गाइडलाइन तो मानिया पड़ो पार्क तो खोल न था पार्क जस्ट खोलू पार्क बहुत मला फला रही आज्ञा आम तो देखु आपन को अनेक समय रे विभिन्न कार्यक्रम रे किंतु आम देखु आपन एंट्री करूछंती बर्तन पार्क भितर को कोन कहै मॉर्निंग वॉक करिया पे पार्क बंद थला बेले रास्ता चलतुल पार्क खोलि पुनी चलतु को खुशी एटा डेली अभ्यास पार्क न खोलले में बाध्य होय कि रास्ता चलिबू पार्क खोलि जट खुशी लागुछ आ कोन पार्क भितर चलतु आ गाडी रास्ता चलला बेले गाड़ी पल्यूशन धुआटा पशुने ये पार्क से सुविधा तबे शुणुले कि लोक मत रही कारण पार्क रे खोलला पर लोक मान भर गोटे उत्साह बढ़ी कारण जिते कोरोना गाइडलाइन जारी होता और पार्क जावास कटकणा जारी होता तेणु एवं जेहतु पार्क खोली तेणु लोक मैंने खुशी व्यक्त कर भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन संजय साहू सुमन सुंदराय न्यूज 18 ओडिया। दीर्घ दिन व्यवधान पर आज खोली विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर कोविड गाइडलाइन में खोल विश्व ऐतिह्य सूर्य मंदिर दैनिक 2000 पर्यटक सूर्य मंदिर बोली पारे एथपाई ऑनलाइन टिकट व्यवस्था कराई पूर्वाहन 1000 और अपराहन 1000 पर्यटक मंदिर भितर प्रवेश करेंगे तेज मंदिर भितर को गाइड फोटोग्राफर गणमाध्यम प्रतिनिधि को बारण कर सूर्य मंदिर सम्मुखें दुकानी को दुकान खोलने को बारण कर मंदिर प्रवेश पथर पर्यटक मानक थर्माल स्कानिंग सानिटाइज उपाय मंदिर प्रवेश अनुमति मिले कहुई मास्क पिंधा बाध्यतामूलक कराई एप्रिल 16 तारीख ठू बंद रही सूर्य मंदिर। बुलेटिन समय एक ब्रेक दूध आईचर साही स्वाद भरपूर अनमोल ई टाइम बिस्कुट सब पैक्स पांतु गोटे प्लास्टिक बोल संपूर्ण मागणा ब्रेक स्वागत। देशर विभिन्न राज्य लकडाउन कोहल है मार्केट चलचंचल या भितर कोरोना तृतीय लहर को नहीं चिंता बढ़ला चलित मसने देश में कोरोना तृतीय लहर आसवाने अनुमान अक्टोबर मसने चरम सीमार पहुंचा संभावना रही विशेषज्ञ माने वा गवेषक माने सूचना देते तृतीय प्रहर दैनिक 1 लाख ରୁ 1.5 लाख लोक संक्रमित हो पारती प्रकाश पाई सूचना मिली तेज द्वितीय प्रभाव भली तृतीय लहर से मारात्मक हेनी द्वितीय लहर में देश में सर्वाधिक 4 लाख लोक कोरोना संक्रमित होते ए वर्ष प्रारंभ में आरंभ होता द्वितीय लहर प्रभाव को भित्ति करी होता एक गाणितिक मॉडल को आधार कर गवेषक माने आशंका व्यक्त करते महाराष्ट्र केरल भली राज्य में कोरोना तृतीय लहर अधिक विस्तार करें गवेषक माने आशंका करछन्ति। देश में 24 घंटे कोरोना है 422 जन जीवन और कोरोना मृत्यु संख्या 4,24,773 को वृद्धि पाई से देश में दिनक 40,034 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती एसत मोट आक्रांत संख्या 3,16,95,958 को वृद्धि पाई एजाई सुस्थ है 3,08,57,467 जन 4,13,718 कोरोना रोगी एवं चिकित्साधीन होती केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय पक्षने सूचना दी जाएगी। गोटे दिन में 400 कमिला कोरोना आक्रांत संख्या राज्य में दिनक 1032 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोधर 598 स्थानीय अंचल 434 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती एसह राज्य में संक्रमित संख्या 9,79,737 को वृद्धि पाई एजे सुस्थ है 9,58,601 जन रोगी 15,050 जन एवं चिकित्साधीन रही खोर्धार 237 कटकू 154 पुरी 82 जगतसिंहपुर 82 अनुगुण 48 भद्रक 47 जाजपुर 43 बालेश्वर 36 नयगढ़ 30 ढेंकानल 25 केन्द्र 23 सुंदरगढ़ 23 मयूरभंज 20 संक्रमित चिन्हट होती। कहले दैट इज रिप्रोडक्शन नंबर्स माने गोटे लोक जदि संक्रमित हुए सी आउ केते जन को संक्रमित करूची से अनुसार हुए जदि आर भैल्यूटा 1 ऊपर रहियो तो नेचुरली से कोन करिवो गोटे रो अधिक लोक संक्रमित करिवो वर्तमान हमर आर भैल्यू 1 पाखापाखि पहुँची जाइए केतक राज्य किंतु आमर जेहेतु आम राज्य सीटा कमुचे आमर निश्चित भाव आर भैल्यू 1 ही ना गत काली सुधा जो जो जिले में 300 डिजिट थिला से सब जिले में संक्रमणटा को कोहलटा टिके कम करा आपण जानी खोर्धा हो कटक हो पुरी हो गत काली सुधा से 300 डिजिट थिला तेणु किंतु सौभाग्यवशत आज पूरीटा डबल डिजिट होती नंबर्स कमी जाइए तेणु से अनुसार डिसाइड कर तृतीय लहर भय तो सब अच्छी किंतु 195टा कंट्री भितर सबू कंट्री तृतीय लहर आज पर्यंत होनी इवन के 9टा कंट्री भी सेटा जीरो कोविड हो सारे सेपटे राज्य 67 जन जीवन नेची किलर भाइरस आज राज्य कोविड मृत्यु संख्या 6033 को वृद्धि पाई। खोर्धा जिले में सर्वाधिक 12, सुंदरगढ़ 11, कटक 10 जन जीवन नेची किलर भाइरस से पुरी में 6, ढेंकानाल 5, गंजाम जगत सिंहपुर 4 जन आक्रांत मृत्यु होती। इलाहाबाद अनुगुड़े 3, भद्रक 3, बालेश्वर झारसुगुड़ा और केन्द्रापड़ा 2 जन मृत्यु होती। बरगढ़ जाजपुर केन्दुर जड़े लेखे कोविड आक्रांत मृत्यु होती कोरोना। जाले फसला विशालकाय अजगर साप साप को जालर उद्धार कर जंगल विभाग को हस्तांतर करते लोके पर चंपुआ वन विभाग उद्धार साप को कालिका प्रसाद संरक्षित जंगल छाड़ी जनापड़ी। सूचना अनुसार चंपुआ ब्लॉक अड़ंगापाड़ गाँव दिलीप महंत बारबुझा होता जाल में एक अजगर साप छंदी रही गाँ लोके उद्धार कर वन विभाग को हस्तांतरित करते। कोविड कटकणा जो निड़ाम्बर भाव पालित होती संबलपुरी दिन। गुरु सत्यनारायण बहितार जन्मदिन अगस्ट 1 को संबलपुरी दिन भाव पालन करा बेले कोरोना कटकणा जो 2 वर्ष है बिना जाकजकमें पालन कर रंगारंग कार्यक्रम हो न समस्ते घर रही संबलपुरी दिन को पालन करते। निज भाषा साहित्य संस्कृति को समृद्ध करने उद्देश्य से संबलपुरी दिन पालन करते समस्ते। देखो संबलपुरिया दिन नचमा सला देखो संबलपुरिया दिन। संबलपुरी भाषा साहित्य प्रति गोटे बढ़ेटे दिन है। माँ समलेश्वर को तरह प्रार्थना रहा के आमर भाषा अष्टम परिच्छेदन स्थान पाऊ संविधान रे, आम संस्कृति उन्नति हो, आमर कल्चर रो प्रचार प्रसार हो, आ सभे मिसिकी संबलपुर पूरा पश्चिम ओडिशा के एकजुट करमा ये लक्ष्य रे ई संबलपुर दिन रो पालन करा जाउ छी। आज चिंता का एथली पालन करू छी कि समस्त भीतर जागरण सृष्टि हेबा, आम संस्कृति के आम विश्व दरबार रे पहुंचे पारबा। आम आज खुशी मनासु, आम आज नाच गाना करसु, किंतु जे इटा है कि एथरो कोरोना जेतु 2 वर्ष लगातार हला न ए वर्ष भी कोरोना रो प्रभाव रे हमें सब जिंस खुला डरंतु नहीं सत जानतु आ ताहाई कहतु दयाकोरी गुजब सृष्टि करंतु नहीं। टीका ही संजीवनी या को आपणतु ए कार्य करछि नेटवर्क एटेन फेडरल बैंक सहित मिलित भावे सचेतनता अभियान चलैछि जा ना होछि संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ। यार काम होछि सचेतनता माध्यम रे कोरोना को मात देबा। बुलेटिन को एटुकु छु नमस्कार।